हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो है टैली प्राइम की। आज के इस वीडियो में तो यहां पर टैली प्राइम ओपन कर रहा हूं, देख सकते हैं ये टैली प्राइम इस तरीके से ओपन हो जाता है। टैली प्राइम अगर आपको डाउनलोड करना है तो गूगल पे जाकर के tally.org जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टैली का एजुकेशनल वर्जन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एजुकेशनल वर्जन में और टैली का जो पेड वर्जन होता है दोनों में क्या डिफरेंस है। टैली का जो पेड वर्जन होता है उसमें आप डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं, कोई भी डेट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टैली का ये वाला वर्जन है यानी एजुकेशनल वर्जन है इसमें आप डेट और टाइम चेंज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्री पास हुई है। तो एक ही एंट्री परचेज की पास हुई है। तो जब परचेज की एंट्री हम करते हैं तो हम हमेशा पेमेंट करते हैं, कैसे देखिए दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर जाएंगे कहां, वाउचर्स पे। और वाउचर्स पे जाने के बाद जैसे ही पेमेंट वाउचर पे जाएंगे यानी F5 प्रेस करेंगे तो आपको यहां इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये सिंगल एंट्री मोड है, ठीक है, आप सिंगल एंट्री मोड में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको डबल एंट्री मोड में चेंज करने के लिए क्या करना है, इसको डबल एंट्री मोड बनाने के लिए यहां पे दिया गया चेंज मोड, या आपको कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है और इसे बना देना है डबल एंट्री, ये डबल एंट्री हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए यहां पर बाय दिख रहा है, तो अभी क्या करना है, यहां से F12 की प्रेस करनी है और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को चालू कर लेना है, कंट्रोल ए कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिखाई पड़ने लगा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको एंटर करना है, यहाँ पर आना है। अब देखिए यहाँ पर डेबिट आ रहा है, तो डेबिट किसको करेंगे, एक बार हम परचेज वाला बिल देखते हैं, परचेज, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा परचेज वाला बिल है। हमारी जो क्रेडिटर पार्टी है वो देवरिया एडवर्टीजमेंट सर्विस के नाम से है, एड सर्विस के नाम से है, हम इसी को पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं वापिस से पेमेंट में। आप यहां पर आएंगे तो यहां पे देवरिया एडवर्टीजमेंट सर्विस आपको दिखाई देगा, ये आ गया। इनका 36,300 रुपये एडवर्टीजमेंट का पैसा बकाया है, वो हमें देना है, तो यहां पे 36,300 कर देते हैं। तो ये देखिए 36,300 कर रहा हूं, एंटर किया। अब देखिए अगेंस्ट रेफरेंस, यहां पे देखिए तीन चार चीजें आ रही हैं, आप देख सकते हैं एडवांस आ रहा है, AGST रेफरेंस आ रहा है, न्यू रेफरेंस आ रहा है और अकाउंट आ रहा है, ये तमाम चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो इसमें आपको अगेंस्ट रेफरेंस रखना है, एंटर करना है, एंटर करना है। और यहां पर क्या करना है, कैश में ये पैसे भुगतान कर रहे हैं इनको या कैसे भुगतान कर रहे हैं वो मीडियम आपको यहां पे देना है। जैसे कैश में कर रहे हो तो यहां पे कैश कर सकते हैं, ठीक है, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बिल आएगा, यहां से बाहर आने के लिए स्केप बटन प्रेस करिएगा और स्केप बटन प्रेस करने के बाद यहां पर दो बार डी प्रेस कीजिएगा। देखिए पेमेंट वाला ये हमारा बिल है, अल्ट पी करके एंटर करके यहां पर आई बटन प्रेस करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये बिल दिखेगा कैसे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा बिल है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्लियर है, ठीक है ना। तो अभी यहां से बाहर आना है और बाहर आने के बाद यहां से पूरा बाहर आ जाइए स्केप बटन प्रेस करके, ये बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से वाउचर पे चलते हैं और यहां पे हम पेमेंट करते हैं, एडवांस पेमेंट करेंगे, यानी पेमेंट का एक मोड आपको मैंने दिखाया था एडवांस पेमेंट, तो एडवांस पेमेंट भी करके देखेंगे। तो किनको एडवांस पेमेंट करेंगे, तो वही जो देवरिया एडवर्टीजमेंट सर्विस है इन्हीं को हम एडवांस पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 रुपए हम एडवांस दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये ऑन अकाउंट पे आ रहा है, इसे हम एडवांस पे ले जाएंगे, ये एडवांस है, ठीक है, इनको एडवांस दे रहे हैं और यहाँ कैश में दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आप ये पे कर सकते हैं, ठीक है।